दोस्तों ये जो एंड्रॉइड 15 का मजा है ना, सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को, प्लेनेट को, सबको मैं देना चाहता हूं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एंड्रॉइड 15 को कैसे आप अपने नथिंग फोन के डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हो। जी हां दोस्तों, अब ये फाइनली ऑफिशियल हो चुका है। जैसा कि यहां पे एंड्रॉइड 15 का डेवलपर प्रीव्यू का बीटा 1 वर्जन जाकर के फाइनली ऑफिशियली नथिंग फोन के डिवाइस के लिए रिलीज कर दिया चुका है। तो आज की वीडियो में सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, किनको अपलोड करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको यहां पे आज की वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पहली बार यहां पे अगर मुझे देख रहे हो तो। जैसे दोस्तों देख सकते हो यहां पे जो ना सारे अपडेट्स वगैरह यहां पे आ चुके हैं, एंड इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अपडेट करना चाहो तो आप प्रोसेस फॉलो करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि भाई यहां पे जो नया चीज है, यहां पे जाकर के ग्लिफ SDK सपोर्ट दिया, यानी कि ग्लिफ में थोड़ा सा कुछ चेंजेस वगैरह हुआ, उसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में नए वॉलपेपर्स देखने को मिलेगा, और नथिंग का जो ना बूट एनिमेशन है वो भी नया आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको एंड्रॉइड 15 का सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिलेगा। बट एक वार्निंग है दोस्तों, ये जो बीटा डेवलपर प्रीव्यू वर्जन है तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन, कुछ फीचर्स वगैरह आपको मिसिंग भी हो सकता है। कुछ फीचर्स सही से काम कर सकता है, कुछ फीचर्स जो है ना अच्छे से काम नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग फेज में है डेवलपर लोगों के लिए। एंड ये दोस्तों जो अपडेट है ना सिर्फ डेवलपर यूजर्स के लिए ही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियर वार्निंग दे के रखा है, ये सिर्फ जो ना एडवांस यूजर या डेवलपर जो है उन्हीं के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है। तो आप लोग नॉर्मल यूजर तो सिर्फ देख करके मजे ले लो, बट ना आप एक डेवलपर यूजर हो तो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जाओगे तो आपको जा करके ये नथिंग फोन 2A के डिवाइस पे आपको जो है सिर्फ अवेलेबल है फिलहाल। नथिंग फोन 2A पे ही इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये पैकेज फाइल है, एंड यहाँ पे डाउनलोड का बटन दे के रखा है। इसको आप डाउनलोड क्लिक करोगे तो आपको जो है ना इस तरह से फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये करीबन 1.2 GB का फाइल देखने को मिल जाएगा। एंड अगर डाउनलोड होने के बाद में प्रॉब्लम हो जाता, अगर आप रोल बैक करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन दे के रखा है। डाउनलोड रोल बैक पैकेज यहां पे भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दे के रखा है, जो कि आपका प्रीवियस वाला जो एंड्रॉइड वर्जन रहेगा उस पे आ जाएगा। अब देखो इसको अपडेट करने के लिए पहले तो अपने फोन को जो है आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से अपडेट करना होगा। तो आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग्स में, वहां पे जाओगे तो आपका लेटेस्ट जो भी नथिंग का OS है पहले तो आप इंटरनेट से उसको अपलोड करके अपडेट कर लो, मतलब ताजा रहना चाहिए, तगड़ा रहना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये वाला फाइल को डाउनलोड करने के बाद में इस वाले सॉफ्टवेयर पैकेज को आपको जो है ना एक फोल्डर रहेगा वहां पे एक फोल्डर करके क्रिएट करना पड़ेगा। OTA नाम से एक नया फोल्डर को आपको इंटरनल स्टोरेज के अंडर में क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद में ये जो फाइल आपने डाउनलोड किया है, मेक श्योर करना कि ये वाला पैकेज फाइल उस फोल्डर के अंदर में, OTA फोल्डर के अंदर में रहना होगा। उसके बाद में आपको जाना है अपने डायलर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है ना अपने फोन के डायलर में जाना होगा, वहां पर डालना होगा आपको यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे ये क्या हो गया, रुक जाओ। यहां पे आपको जो है ना *#*#682**# करके आपको जो है ना कॉल बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरह से आपको जो है ना करना होगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का आपको मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जो है ना ड्रॉप डाउन बॉक्स देखने को मिलेगा, सेलेक्ट OTA फाइल करके रहेगा, SDA OTA जो है ना डेस्टिनेशन है आपका। तो यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करोगे आपको जो भी डाउनलोड फाइल रहेगा वो आ जाएगा, और वो करने के बाद में आपको जो है ना इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो है ना अप्लाई अपडेट करके जो है ना ओके बटन आ जाएगा, वहां पे आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद में आपका जो है ना अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड कुछ मिनटों के बाद में आपको OTA सक्सेस अपडेट करके जो है ना आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके ऊपर आपको सिंपली कंफर्म करना है, और इसके बाद में आपका अपग्रेड कंफर्म हो जाएगा। एंड इसके बाद में आपको अपने नथिंग फोन 2A के अंदर में दोस्तों एंड्रॉइड 15 के मजे ले सकते हो। भाई गाइस, अगर हमारे कोई भी ऑडियंस है जो कि एडवांस यूजर है, किसी ने अपडेट कर लिया, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। बाकी अगर आप नॉर्मल यूजर तो आपको इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं। आप लोग थोड़ा वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे जितने भी इश्यूज वगैरह डिटेल्स वगैरह सारे एंड्रॉइड रिलेटेड आपको मैं बताते रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप भी जाकर के पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बाकी फिलहाल अगले वीडियो में मिलता हूं, इससे क्या प्रॉब्लम्स आता, क्या दिक्कत आता, सारी चीजें बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, बाकी और भी अलग फोन मॉडल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, उसके ऊपर मैं कैसे एंड्रॉइड 15 को इंस्टॉल करा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर भी वीडियोस बहुत ही जल्द आ जाएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।